बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 20 रमज़ान से क्या सऊदी अरब में कर्फ्यू लगा दिया गया है या नहीं लगा दिया गया है, या ऐसे ही काम चलेगा जैसा कि अब चल रहा है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक। मैं आप सब हजरात को यहाँ बाई वाजिया करता चलूँ कि सऊदी अरब में 24 घंटे ही कर्फ्यू नाफज कर दिया गया है, लेकिन ये किन दिनों में किया गया है वो आपको मैं तफसील के साथ बता दूँगा। आप सब भाइयों को मैं याद करवाता चलूँ, जब वजारत सेहत की तरफ से 3 रमजान से कर्फ्यू खत्म किया गया था सऊदी अरब से और 20 रमजान तक खत्म किया गया था, उस वक्त यह ऐलान किया गया था कि हम सऊदी अरब के हालात इस कोरोना वायरस के चलते हुए देखेंगे, उसके बाद ही 20 रमजान को डिसाइड करेंगे कि सऊदी अरब में दोबारा कर्फ्यू लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, या ऐसे ही काम चलेगा जैसा कि चल रहा है। तो आज 20 रमज़ान वाले दिन वजारत दाखलिया की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है। आपको भाई मैं एक बात वाजिया करता चलूं कि सऊदी अरब में 5 से ज़ायद अफराद कहीं भी इकट्ठे होते हैं तो पर पर्सन 5000 रियाल जुर्माना है। ये भी कानून लागू किया गया है सऊदी अरब में, चाहे वो आप अपने घर के सहन में ही क्यों ना 5 से 10 अफराद इकट्ठे बैठ जाएं, चाहे किसी गाड़ी में बैठ जाएं या चाहे कहीं बाहर घूमने के लिए निकल जाएं, 5 से ज़ायद अफराद तो आप पर यह जुर्माना लागू होगा। अभी वजारत दाखलिया की तरफ से आज कर्फ्यू के मुतल्लिक अनाउंसमेंट कर दी गई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रखे होंगे। 20 रमज़ान से लेकर 29 रमज़ान तक कर्फ्यू में नरमी की गई है। जी मेरे भाई, 20 से 29 रमज़ान तक कर्फ्यू में नरमी कर दी गई है। जैसा पहले चल रहा था सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू उठाया गया है सऊदी अरब में, मासवाए मक्का और जजान का एक इलाका बेश उसके कुछ इलाके, तो इन दो शहरों में तो कर्फ्यू है, लेकिन बाकी पूरी सऊदी अरब में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू ख़त्म है। ये 29 रमज़ान तक ऐसे ही चलेगा, इसमें नरमी की गई है, दोबारा कर्फ्यू वगैरह नहीं लगाया गया है। लेकिन कर्फ्यू लगाया गया है 24 घंटे ही सऊदी अरब में, और वो किन दिनों में लगाया गया है, वो भाई 29 रमजान से शुरू होकर यानी कि रात 12:30 रमजान से शुरू हो जाएगा, ये 4 शवाल तक यानी कि ईद के गालबन 5 दिन कर्फ्यू रहेगा सऊदी अरब में। जी मेरे भाई, 5 दिन के लिए सऊदी अरब में 24 घंटे का कर्फ्यू नाफज किया गया है और वो 5 दिन ईद वाले 5 दिन होंगे, ये मैं आपको कन्फर्मली बता रखा हूँ। और इस दौरान आप किसी एमरजेंसी की सूरत में ही घर से बाहर निकल सकते हैं, वरना आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा अगर आप इसके दौरान कहीं ऐसे घूमने के लिए निकलते हैं इन 5 दिनों में। तो 5 दिनों का सऊदी अरब में कर्फ्यू नाफज कर दिया गया है ईद के 5 दिनों का। हालांकि कुछ भाई कह रहे थे कि 20 रमज़ान से यानी कि 21 रमज़ान से ही कर्फ्यू नाफज कर दिया जाएगा और ईद के बाद खोला जाएगा, तो ये बात भी किसी हद तक ठीक साबित हुई है, क्योंकि ईद वाले दिनों में कर्फ्यू लगाया गया है, 29 रमज़ान तक कर्फ्यू सऊदी अरब में नहीं लगाया गया है, वही पुराने वाला हिसाब चलेगा। जिन भाइयों के पास तसरी परमिशन वगैरह है वो अपनी तसरी और परमिशन वगैरह के ऊपर कहीं भी आ जा सकते हैं अपने शहर के अंदर, एक से दूसरे शहर जाने पर तो अभी भी पाबंदी है। तो इसके अलावा बिशा बेश यानी कि जजान का इलाका और मक्का मुकरमा में आप अपने शहर में भी कहीं नहीं आ जा सकते, वहाँ पर कर्फ्यू है मुकम्मल 24 घंटे का। तो ईद के 5 दिनों में भाई मुकम्मल कर्फ्यू लगा दिया गया है, आप कहीं भी आने जाने पर से परहेज़ करें, इसके अलावा किसी एमरजेंसी की सूरत में अपने घर से बाहर निकलिएगा।